ओके एवरीवन, वंस अगेन सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं. वी हैव गिवन अ सेट, ए सेट एस इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू 12. हमारे पास एक सेट है, एस इज द सेट और ये है 1, 2, 3, 4 अप टू 12 तक ये सेट दिया गया है और हमें इसमें ग्रुपिंग करनी है. ओके, मतलब इस सेट का हमें पार्टीशन करना है. ओके, तो कैसे करेंगे पार्टीशन, ये देखिए. तो द सेट एस 1, 2, 3 अप टू 12 इज टू बी पार्टीशन इन टू 3 सेट्स ए बी सी ऑफ इक्वल साइज. इसको हमें 3 सेट में कन्वर्ट करना है, मतलब इसके सेट बनाना है, एक सेट ए बनाना है, एक सेट बी बनाना है और एक सेट सी बनाना है. और आपको कहा गया है कि इस तरीके से सच दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एस. इसका मतलब होता है कि तीनों सेट को मिला करके कोई भी एलिमेंट एम्प्टी, कोई भी सेट सारे मिलने के बाद जो अपना सेट है वो कवर हो रहा है. कौन सा? एस. मतलब इनके अंदर सारे एलिमेंट जो है 1 से लेके 12 एलिमेंट जो भी है ये सारे के सारे कवर हो रहे हैं, ये कहा गया है. 1 to 12 एलिमेंट सारे के सारे कवर हो रहे हैं. ओके, तो कह रहा है कि कितने तरीके से हम ये सेट्स बना सकते हैं, कौन से, ए बी और सी, और साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये बात नहीं दी गई है तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, और अगर दी गई है तो ये क्वेश्चन फिर इसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं. तो समझो क्या बता रहा हूं. तरीका है, सबसे पहले आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिन लो, कितने हैं 12, तो टोटल सब कितने हो गए 12 फैक्टोरियल्स. ओके, अब इसके बाद आप ये देखो कि सेट कितनी ग्रुपिंग कर रहे हो, 3 सेट बना रहे हो. ओके, तो 12 एलिमेंट्स को अगर आप इक्वल इक्वल पार्ट में तोड़ोगे तो कितने एलिमेंट बनेंगे, 4. ओके, क्योंकि 4 4 4 3 सेट्स बन रहे हैं ना, तो अपने पास कितने एलिमेंट बनेंगे, 4. तो फैक्टोरियल 4 की ग्रुपिंग बनेगी, और फैक्टोरियल 4 की पावर कितनी कर दो, जितने आपको ग्रुप्स बनाने हैं. बट याद ये रखना है कि इसमें ये चीज एप्लीकेबल है. ओके, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 नल सेट. तो ये इसका आंसर है, इसको नोट करो. ओके, तो चलो इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं. जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, फैक्टोरियल एन. ओके, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फैक्टोरियल एन. अब इसके बाद ग्रुपिंग कितने एलिमेंट्स की करनी है, वो 4 4 के ग्रुप है. ओके, 4, तो फैक्टोरियल 4 होल टू दी पावर नंबर ऑफ ग्रुप्स. तो यहां पे कितने ग्रुप करने थे, 3. भूलोगे तो नहीं, बट शर्त क्या रहेगी कि कोई भी सेट जो है वो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए. अगर एम्प्टी होगा तो ये रिलेशन फॉलो, ये जो अपना फॉर्मूला नहीं लगेगा. ओके, फिर अपन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ पहुंच जाएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, केवीएस एनवीएस जेई एनडीए वट एवर जितने भी होते हैं उनपे करके जाओ. ठीक है, नोट करो.